अस्सलामुअलैकुम मेरे भैनों और भ्रावो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई जो है वो बिल्कुल ठीक है। आयरा मैडम उठ चुकी हैं। आयरा सलाम करो, सलाम करो, इधर इधर कैमरे पे देख के सलाम करो ना यार। आयरा तो यार सीन ये है कि आज आ रही है मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त, मेरी क्लाइंट भी है, मेरी दोस्त भी है, लंदन गई भी थी, छुट्टी पे वापस आ रही है। यहाँ पे हम आज मिलने जा रहे हैं उससे, बाकी दोस्त भी साथ होंगे। खाना खाने का प्रोग्राम बना हुआ है तो खाना खाएंगे। फौरी आपको पता है गोश्त गोश्त खाते हैं, तो अभी वही प्लान बना हुआ है जाएंगे। और कोई मटन है बड़ी खास जगह का, तो आज वो मटन खाने जाएंगे। कर दो नहीं। बेगम खाना लेके आ गई हैं। बेगम आजकल व्लॉग में नहीं आ रही यार, थोड़ा लोग कह रहे हैं यार व्लॉग में आए, आप व्लॉग में नहीं आती, क्या बात है? घर का टाइम नहीं है आपके पास, घर का काम करते रहते हैं। अच्छा जी, नाश्ता नाश्ता नहीं, खैर ये खाना आ गया हमारा, नाश्ता मैंने कर लिया था, फ्राइज है, बर्गर है। यार मैंने जो है ना वो वीडियो डाल दी है दूसरे फिटनेस चैनल के ऊपर, वेट लूज करने वाली। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने आसानी से वेट लूज करना है या फिर महंगे महंगे खर्चे करके, पुठी सीधी डाइट प्लान करके, ट्रेनर्स को पैसे दे के जाया करके फिर वेट लूज करना है। लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर उसको चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बैग जो है वो रेडी हो चुका है, सारा कुछ रख लिया, बस अब थोड़ी देर में जिम निकलने लगे हैं। यार ये आज ना जिम के अंदर दो हमने बब्बर शेर जो है उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई तैयार हो, चलो 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 चलो। बस रोहित बस इतना ही था यार। ठीक है, समझ आ गई मुझे, बंदा खा घर पे खा लेता बर्गर ठीक है, लेकिन जिम में कौन खाता है? अब वहां पे हर बंदा ट्रेनिंग कर रहा है और यहाँ पे खुशबुएं आ रही है। खाया हर दफा होता है और मुझे हर दफा भूख लगती है, मैं खाना खाता हूँ। बताओ आप समय साहब, आप बताएं। किसी ने मुझे बात लगाई ना, हाँ वो तो जिम में बैठ के खा रहे हैं, जिम में बैठ के। और मुझे तुम सिंगर खाते हो तो 7 बज चुके हैं और हम लोगों ने जाना है कोई 9 बजे। 2 hours later घर वापस आ गए और जाती हो गई है, खाना खाने जाना था और जिसके साथ खाना खाने जाना था उसने डिच करा दिया। उसने कहा कि भाई मुझे सरप्राइज मिल गया घर से, घर वालों ने सरप्राइज डिनर रखा, वो उधर चली गई है और हम भूखे लोग, जाती ही है वैसे, हम भूखे लोग ऐसे घर वापस आ गए। घर पर मैं किसी को दूसरी बार रोटी मांगू ना तो मुझे रोटी नहीं देता, इसलिए भाई जो है ना भाई ने अपना निजाम पूरा रखा हुआ। भाई अपने साथ 2 meals एक्स्ट्रा लेके आया भाई, 2 meals। आप गए नहीं? कहाँ? मामा की तरफ गया था। गए थे फिर? आपने बाल फिर काले करा लिए हैं? बाल फिर काले कर लिए? रोज ही करता हूँ बाल, रोज काले करते हैं? हफ्ते में एक दफा करता हूँ। क्यों, ये क्या, ये खा रहे? ये भाई भूख लगी हुई है, मामा ने नहीं पूछा आपसे खाने का? दावत कैंसिल, क्या कहा तुमने? मजा बहुत आया, बहुत घर भी कुछ नहीं बनाया और खाके भी नहीं आया, इसने कुछ बनाया नहीं। और अगर बनाया होता मुझे दूसरी बार, मैंने आपको बताया ना अगर मैं दूसरी बार रोटी मांगू तो मुझे रोटी भी नहीं मिलती, वो बनता हूँ मैं, इसलिए मैं अपना निजाम लेके आया हूँ, तुमने देखा नहीं? रात को खाने के लिए ऐसा ही होता है, हमेशा कोई ना कोई धोखा देता है। अब जिसने धोखा दिया है ना उसकी खैर नहीं होने वाली। अच्छा जी, खाना हमारा आ चुका है, ये लेमन सॉस है, ये लेमन सॉस हम डालेंगे इसमें। आयरा आपको ज्यादा
एक मिनट से पहले एक मिनट पहले हाँ हाँ मुझे मुझे पता ही चाहिए आपको। मैं आपको खिलाती हूँ ना। हाँ। उससे सबर नहीं होगा जल्दी। अच्छा जी जी अच्छा खा लो इसको दो भाई इसको दो। ये आयरा की खुराक है। प्रोटीन खाएगी फिर जिम जाएगी फिर डोले बनाएगी। मजे का कि नहीं आ रहा? नहीं मजे का होगा तो मैं खाऊंगा। मजे का हाँ बस डन हो गया। उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए। दोनों हाथ खड़े करके उसने कह दिया जो राणे ने कहता। खाना वाना हो गया हमारा और अब हम बना रहे हैं चाय। चाय के साथ हम खाएंगे अपने बिस्टुक्स। जो मैंने खाना खाया ना उसमें कार्ब्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, खाली प्रोटीन थी, सारा चिकन ही चिकन था, तो वो हमने खा लिया। कार्ब्स के लिए अब हम ये खाएंगे। और ये ऐसे बिस्किट है कि जब मैं खाने बैठता हूँ ना तो जब तक आरफा उठा नहीं लेती तब तक मैं ये खाता रहता हूँ। पप्पा ना बड़े मजे का खाना बना रहे हैं। कौन सा? बैंगन भत्ता। बैंगन का भत्ता ले जी। पप्पा की आज स्पेशलिटी, पप्पा की स्पेशल रेसिपी। पप्पा की रेसिपी शेयर करें लोगों से। हाँ जो रेसिपी है ना वो शेयर करते हैं। पप्पा भी बनाएंगे वो शेयर करते हैं आपके साथ। बेटा आपको सुकून नहीं मिलता आयरा? आप क्या कर रही हो? आप ये कोट ना इधर क्या कर रहे हैं? क्या इसमें बैंगन आपने बैंगन को उठने? हाँ आयरा से क्या छुपता है? किचन दिखाएं, बिल्कुल क्लीन है ना। हाँ अभी पापा खाना बना रहे थे, देखेंगे। जब भी मर्द खाना बनाते हैं ना तब किचन फैलाते हैं, जब औरतें बनाती हैं साथ साथ समेटती हैं। ये बात तो वैसे मानने वाली है ना। मैंने वैसे कभी बनाया नहीं लेकिन अगर मैं कभी बनाऊंगा तो सिर्फ कस्टर्ड बना के उस पर भी। अच्छा जी पापा की ये रेसिपी स्टार्ट हो गई है और ये पापा ने डाला है हरी मिर्ची और लहसुन। अब पापा इसको ना कूट लेंगे इसमें। हम तो इतनी मेहनत नहीं करते लेकिन पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं खाने पे। पापा ये क्या डाल रहे हैं? लच्छी, लच्छी। लच्छी डाल रहे हैं? अच्छा ये राज है आपके खाने के? ये इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे थोड़ी मजे का। आज मैं आपकी रेसिपी जो है ना वो शेयर करने लगी। करो 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 सारा कमाल जो है ना, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सारा कमाल ये है जो आप देख रही है। कट लगाए हैं। हाँ। जो मसाला मैंने किया था ना इसके अंदर रहे हैं। जी यही है असल कमाल। इसके अंदर जो है ना इसका टेस्ट बिल्कुल डीप चला जाता है। अच्छा अच्छा वो देखिए बदर शाह आपके साथ काम करवाना है ना इसमें। हाँ जी लग रहा है जी। पापा आपका मोबाइल गया। नहीं बुरी बात। बेटा इनको ऑयल लगाना पड़ता है वरना इसके जो ना जो चमड़ा है ना इसका नहीं उतरता। अच्छा अब हमारे बैंगन जल रहे हैं बेचारे, आग पे रखे गए हैं। ये हमारे बैंगन थे जिसको ऑयल लगा हुआ था और इसको फिर हमने चूल्हे पे रखा, इसको जलाना है और फिर इसको पकाना है। आपको भी याद नहीं आया? दिमाग बिल्कुल बंद हुआ। अच्छा पुराने दौर में ना टेस्ट पता है क्यों आता था? क्योंकि वो हाथ से कूटते थे। ऐसे होता है हाथ से कूटने का अपना टेस्ट होता है। हाथ से कूटने का अपना टेस्ट। और हम जो है वो ग्राइंड करके तो लहसुन अदरक वो वैसे ही डाल देते हैं, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता। हाथ का और टेस्ट होता है, मशीन का और टेस्ट होता है, हाथ की अपनी चीज है। अब तुम रोटी खाती हो चावल खाती हो, चावल तुम दाल चावल जब चार हाथ से खाओगी ना उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा उससे अगर तुम खाती हो चम्मच से। यार बाकी ऐसे जमीन पे बैठ के ठंडी जमीन पे बैठ के दाल चावल ऐसे हाथ से खाने का साथ में खीरे प्याज रायता याद ही दिला दी। यार ऐसे ही अभी ना उड़ते उड़ते खबर आई है कि बाहर घर के मामा और अरूब आए हैं तो उनको जरा जाके ले आते। लॉक है, चाबी लानी पड़ेगी। पापा ने लॉक कर दियो, खड़े रहो बाहर। मुझे पता था ये व्लॉग बना रहा होगा। लग प्लीज आजो। अच्छा मुझे लगा अरूर, लेकिन अरूर नहीं ये तो नूर है। स्टॉप घर में ना जरा ध्यान से आना, ये भी ठंड ठंड बहुत है घर में। क्या उठाना? फट्टे यानी क्या उठाना? मैंने कहा फट्टे उठाना। उल्लू थे फट्टे। इन्होंने मुझे ये उठाने के लिए नीचे बुलाया है। चलो सारी जिंदगी मजदूरी की है, मजदूर है आज भी मजदूरी कर। बाहुबली ओए गाड़ी पे ना मारता टेंडर पे लगा जाएगा, गाड़ी पे नहीं लगता। ये क्या डाले? ये वो मसाला जो मैंने बनाया था ना, हरी मिर्ची और लहसुन वाला पड़ा हुआ था अभी, मैं थोड़ा बचा के रखा हुआ था ना। देखो मैं थोक बन गया हूँ।
पापा का एक राउंड और भी है जो डालते हैं खाने में। पापा ये क्या है? जीनोमोटो। ये सब कुछ मेरा मिल के टेस्ट बनता है। किसी एक चीज का काम नहीं है। इधर आए जरा। बन गया? नहीं बना नहीं है। आपको मैंने आप इधर इसके ऊपर चढ़े हो ना? नहीं ये मेरे नहीं है। किसके हैं? तो ये मेरे पाँव लगे पापा के पाँव या रूप के पाँव है। आप इसके ऊपर चढ़े हुए? मैं इस पे नहीं चढ़ा। फिर ये मेरे दोनों नंगे नंगे बच्चे नहा रहे हैं इधर। एंजॉय कर रही हो? वो देखो मिर्दा भी खेल रही है। गंदा बच्चा, गंदा चूहा, ओए बाहर नहीं आना। चलो शाबाश, प्ले टाइम खत्म हो गया। पिछले कोई 40-45 मिनट से ना ये दोनों अंदर घुसे हुए और पावरों की तरह नहाई जा रहे हैं, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। आज आपके हाथ में कैमरा आ गया ना, आप मुझे उठते बैठते जाते हर वक्त रिकॉर्ड करोगे, एक्सपोज करोगे अब तो मुझे। नहीं मैंने ना आपको एक चीज करनी। मैंने क्या कहा था आपको? क्या मैंने कहा था? भाई किचन दिखाना होगा, दिखाओ। ये देखें, तबाही। आज कोई खास तबाही? पूछो पापा से, पापा आज तबाही इतनी नहीं मचाई आपकी है? सांसा समेट लिया था ना। पापा ऐसे बना दे, चेक करो बन गया। बस फाइनल स्टेजेस पे है। बिल्कुल फाइनल हो गया, बस जा गया। ओ अब आपने खा लिया रोटी? ऐसा लग रहा है विंग्स नहीं। मैं तो फिर भी यार मुझे थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए होता ना। पापा कुछ कह रहे हैं प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। सुना क्या? सुना पापा कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन जिसमें होता है। मुड़ो ना, मैं मालूम तुम लेते नहीं आगे। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार सब्सक्राइब नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक, सब्सक्राइब करो। आप ही कह दो, आप भी उधर देख के कहो सब्सक्राइब करो। आए करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।